दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही खास मददगार होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे अतिथि शिक्षक ट्रेजरी से कैसे घर बैठे देखें अपनी पेमेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सहयोग दें। सबसे पहले हम देखते हैं, डेस्कटॉप पर जाते हैं गूगल में हम MPE ट्रेजरी सर्च करते हैं। गूगल में सर्च जैसे ही लिखते हैं तो सर्च करेंगे, गूगल सर्च में हम सर्च करने पर देखते हैं कि एक नई विंडो ओपन होती है। मित्रों, ये आपकी सहायता के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या पेमेंट ना दिखाने की आ रही है, जो अभी अनुभव प्रमाण पत्र बन रहे हैं उसमें। तो हम सबसे पहली लिंक हमारी ओपन हो जाती है MPE ट्रेजरी वाली। इस ट्रेजरी वाली लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है। नई विंडो ओपन होती है तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो लिखे हुए हैं फर्स्ट रो में, इनको हम देख लेंगे। उसके बाद सेकंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करने पर एक विंडो ओपन हो जाएगी अगली। इस विंडो के ओपन होते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पेज आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि सेकंड कॉलम में एक्सपेंडेंचर लिखा हुआ आएगा। इस पर हम जैसे ही देखते हैं तो बाजू में हमारे कुछ टॉपिक्स खुल जाते हैं। उसमें सबसे नीचे देखेंगे ई ट्रेजरी पेमेंट लिखा हुआ आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सबसे लास्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन पर जाएंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए हैं, DDO के लिए भी ऑप्शन दिए हैं, अन्य और ऑप्शन दिए हैं। तो ई ट्रेजरी पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगले पेज पर हम पहुंच जाते हैं। ई ट्रेजरी पेमेंट MPE के लिए बना हुआ है, तो इस पे हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें ऑप्शन आएगा बैंक का IFSC कोड। यहाँ पे हमें बैंक का IFSC कोड डालना होगा, सही डालना होगा। यदि मिस किए हमने तो गलत हो जाएगा। इसके बाद में अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद में जिस मंथ का हमें ट्रेजरी बिल चाहिए वह मंथ लिखेंगे, और जिस सन का चाहिए तो वह सन लिखेंगे, और हम सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करते हैं तो हम देखेंगे कि जिस महीने में हमको सैलरी मिली है उस महीने का यहाँ पे बिल दिखाया जाएगा। बिल पे आपकी पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है DDO नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। पेमेंट अथॉरिटी किसकी है वह लिखा है, आपका नाम है, अकाउंट नंबर है, DDO ट्रेजरी लिखा है। इससे पता चलता है कि अतिथि को इस DDO कोड से पेमेंट मिला है, आपके नाम से मिला है, तो नाम भी लिखा रहेगा और कितना पैसा मिला है यह भी लिखा रहेगा। यह अतिथि शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रलेख हो सकता है। यदि हमें अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में कोई समस्या आ रही है तो हम इसे अपने पास इसका प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन पर हम देखेंगे और प्रिंट आउट ले सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल